अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, आज की नशस्त में हम कुछ ऐसी बुनियादी बातों के हवाले से सवालात उठाएंगे कि जो रोज़मर्रा की गुफ्तगू में शायद उस तरह से सामने नहीं आ पाती जिस तरह से उनको आना चाहिए। वो कौन सी बातें? मुझे जो पर्सनल लेवल पे ज़ाती अगर हवाले से मैं बात करूँ तो जो चीज़ें ज़रा तंग करती हैं, चुभती हैं, वो ये हैं कि हम अपने अतराफ में अगर देखें, नज़र डालें, लोगों पर नज़र डालें, मयारात की बात करें तो लगता है कि कहीं ना कहीं तनज़ुली का शिकार नज़र आता है ये पूरा माशरा, कुछ लोग, कुछ अफराद। सियासत के हवालों में देख लीजिए तो गुफ्तगू का मयार आपके सामने है। दीगर इदारों की अगर बात कर लें तो कुछ वीडियोस की शक्ल में, कुछ इल्ज़ामात की शक्ल में सामने आ जाती हैं चीज़ें जिस पर जहन उलझ कर रह जाता है। ये तमाम बातें हम किससे करें? आपस में निजी महफिलों में तो ज़रूर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन टेलीविज़न की स्क्रीन पे ज़रा कम कम होता है कि कोई मयार की बात की जाए, किसी अच्छी बात की तरफ निशानदेही की जाए। अफरा तफरी के माहौल में ये बातें भी अहम हैं और इन बातों को आज हमारे साथ मज़ीद वजाहत से शेयर करेंगे जनाब खलीलुल्लाह फ़ारूक़ी साहब। फ़ारूक़ी साहब का तारुफ़ मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि इनका तारुफ़ बनता नहीं। मारूफ शख्सियत हैं, अदब दोस्त हैं, अदब शनास हैं, रेडियो के एक बहुत बड़े कहना चाहिए कि शख्सियत हैं, रेडियो के एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। इसके अलावा टेलीविज़न पे भी, अदबी महफ़िलों में भी हमारे साथ यानी TV1 पे कंटेंट हेड के तौर पर हैं। तो खुश आमदेद कहते हैं फ़ारूक़ी साहब को, और इनका क्योंकि तजुर्बा है इस पूरे मामले में तो इनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी फ़ारूक़ी साहब। दो तीन सवाल जो मैंने अभी जैसे इब्तदाई में कहा जो दिन पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए और बहुत खूबसूरत इब्तदाई था और बड़ा टू द पॉइंट। जी शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताइए फ़ारूक़ी साहब, कहते हैं कि जब माशरा किसी तोड़ फोड़ के अमल से गुजर रहा होता है तो उसकी जो तरबियत का काम है वो तख्लीकी लोग करते हैं। बेशक, लेकिन इस वक्त तख्लीकी लोग ही हमें नज़र नहीं आ रहे, और अगर हैं तो क्या वो छुपे हुए हैं, सामने क्यों नहीं हैं? नहीं, पहली बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तख्लीकी लोग उमूमी तौर पे शदीद कहतो रिजाल हो गया है। अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारा 72 साल का सफ़र है 1947 से अब तक का, इसमें हम बतदरीज तनज़ुल ही की तरफ आए हैं। आज हमारे पास कोई सलीम अहमद नहीं है, कोई अशफाक अहमद नहीं है, हमारे पास हमारे यहाँ कोई बुरहानुद्दीन नहीं है, हमारे यहाँ दूसरा कोई ज़िया महीउद्दीन नहीं है, इवन हमारे यहाँ कोई मोइन अख्तर नहीं है। अगर आप शोरा पे देखें तो नौजवान अच्छी गज़ल कह रहे हैं, नज़में कह रहे हैं, मगर लगता है कि हर जगह एक ख़ास निचली सतह पे आके सफ़र रुक सा गया है। लगता है कि बड़ी तेज़ रफ्तारी है, बड़ी हड़बोंग है, सब कुछ है, मगर जैसे मुनीर नियाज़ी ने कहा था कि मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, तो वो मुझे हर शोबे में नज़र आ रहा है। आप देखें कि पहले कितने नावल लिखे जाते थे, कितने अफसाने लिखे जाते थे, उनका मयार क्या था, ड्रामे क्या कमाल का स्क्रिप्ट होता था, उसमें मुकालमे होते थे और फिर उन मुकालमों को अदा करने वालों की, उनकी जो उनका जो तलफ़ था, उनकी अदायगी थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उनके तासुरात थे, उनका इजहार था, ये सब कुछ हर जगह जवाल पजीर है। किरदार साजी कमाल थी, आपको आज भी राजा और नौशा याद हैं, आपको आज भी खुदा की बस्ती के किरदार, जो जिन लोगों ने, जो नौजवान नस्ल ने तो नहीं देखा होगा, मगर किरदार बनते थे। और आपने जो बहुत बहुत अच्छी एक बात की कि तरबियत का, हकीम सईद मरहूम कभी तालीम और तरबियत नहीं कहते थे, हमेशा तरबियत और तालीम कहते थे, तो वो हर जगह हमें कमी नज़र आई है। और पढ़ने लिखने का जो शौक़ है वो बहुत मादूम होता जा रहा है, उसकी जगह ट्विटर ने ले ली है, उसकी जगह पूरे सोशल मीडिया ने ले ली है, आपके मोबाइल फ़ोन ने ले ली है। तो कागज़ के साथ मेरी और आपकी जो उनसियत थी, जो लम्स था, जो उसकी खुशबू थी, जो लगाव था, जो कुछ पढ़े बगैर नींद नहीं आती थी और ज़्यादा से ज़्यादा जानने का तजस्सुस था, वो सब कुछ जो है एक बहुत एक तरक्की माकूस जो है ना कि उल्टी तरफ का जो सफ़र है वो मुझे लगता है, और ये मुझे हर शोबे में नज़र आ रहा है। अच्छा,
वैसे अगर बात करें फारूकी साहब, तो तारीखी तौर पे अगर देख लें, क्योंकि आपने कुछ नामों का जिक्र किया, बड़े जिनमें मुसन्निफीन भी हैं, शोरफा हैं, शोरा हैं, और शोरा और शुरफा पता नहीं सादा मेल खाते या नहीं, भारत सवाल मेरा नाराज हो जाएंगे शोरा सवाल मेरा ये था कि गालिब के बाद लगता था कि अब शेर व शायरी की दुनिया में कोई बड़ा नाम नहीं आने वाला, लेकिन उनके बाद लातादाद शोर आया। अगर पाकिस्तान में देख लें, फैज़ अहमद फैज़ हमागीर शख्सियत, वेस्टर्न या इंग्लिश लिटरेचर की बात कर लें तो लगता था कि जनाब शेक्सपियर के बाद कोई बड़ा ड्रामा नवीस नहीं आएगा, लेकिन बर्नार्ड शॉ ने एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से ड्रामे को एक रुख दिया, एक नया मोड़ दिया और कमाल किया, ठीक है। तो ये अगर हम कहें कि तख्लीकी सफ़र रुकता है और फिर आगे बढ़ता है तो इसमें गलत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में अब फिलहाल ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। नहीं यार, आप देखें, मुझे आप मुनीर नियाज़ी, हाँ, जॉन एलिया और अहमद फराज ऑलमोस्ट हम असर हैं। हाँ जी जी, इसके बाद कोई बड़ा नाम अभी जहन तक में तो आता सामने है। नहीं, आप ताबिज़ दहलवी गुजर गए, आप देखें ज़्यादातर मुशायरों में आपको अगर कराची में हो तो अनवर शऊर उसकी सदात करते नज़र आते हैं, अहमद नदीम कासमी भी नहीं रहे। तो अब ये नहीं कि लोग हैं सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बात वही हो रही है कि वो जो एक हमें हर जगह नगीने नज़र आते थे ना, और लोग नज़र आते थे कि यार कमाल है, मतलब कि ये सेलिब्रिटीज़ हैं, इसी तरह अगर हम नावल निगारी की तरफ भी आ जाएँ तो मैंने बहुत दिनों पहले शम्सुर्रहमान फारूकी का नावल कई चांद थे सरे आसमां, आप भी पढ़िए, अगर नहीं पढ़ा मैं दूंगा। बहुत दिनों के बाद लगा कि यार कोई एक अच्छा नावल आया है, लिखा गया है। कुछ नावल अच्छे बहुत मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने लिखे, कुछ और अशफाक साहब के बाद भी बड़ा गहरा खला आ गया। तो उसकी वजह दरअसल ये है कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये होता है कि आप जो लेजेंड होते हैं वो बनाए नहीं जाते, वो तो जो है खुद ब खुद गिफ्टेड होते हैं। अब एक तो बड़ा फुकदान मुझे ज़िंदगी के हर शोबे में जो है लेजेंड का नज़र आता है, मगर अब आपके पास अगर आप क्रिकेट को लें तो ना इमरान खान है ना जावेद मियांदाद है, पूरी टीम आप उठा के देख लें तो आपको लेजेंड कोई नज़र नहीं आता जो कश्ती पार करके ले जाए। तो हर जगह हर शोबे ना कोई जहांगीर खान है, ना कोई समीउल्लाह है, ना कोई सलाउद्दीन है। आप देख लें स्पोर्ट्स का क्या हाल है, आपके पास जहांगीर था, आपके पास जानशेर खान था, हर जगह आपको हीरोज़ नज़र आते थे। अब हीरोज़ नहीं है, अब मीडियोक्रेसी जो है उसका दौर दौरा है ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर। बिल्कुल सही आपने निशानदेही की, आपने कहा मीडियोक्रेसी का दौर दौरा है, क्या वजूहात हैं, क्या मीडिया इतना ज़्यादा जब से हुआ है तो उसकी वजह से डाइल्यूट हो गया है मायार, या हमने जिस तरह हर चीज़ में हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि बिजली नहीं आ रही तो जनरेटर ख़रीद लो, सही है ना, इसके अलावा बहुत सारी मिसालें मैं दे सकती हूँ, तो क्या यहाँ पर भी हमने यही किया है कि अगर अच्छा नहीं है तो बुरे पे गुजारा कर लो। हाँ, उसमें एक पहलू और भी है, उसमें जो हमारी एक इज्तमाई बददियानती का अमल है ना कि आप मेरिट को सामने नहीं आने दें। अब मतलब होंगे कई ऐसे नातारशीदा हीरे होंगे कि जिनको तराश खराश के मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ ब्रिगेडियर आतिफ का, हॉकी के रूह रवां थे उन्होंने, परवीन आतिफ ने, उनकी बीवी जो है वह खवातीन की हॉकी की में भी काफ़ी दिलचस्पी अच्छा, रहती थी। माजरत फारूकी साहब, एक ब्रेक आ गई है तो अक्सर नाजुक मौके पर ही ब्रेक आती है, वापस आते हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज, जनाब खलीलुल्लाह फारूकी साहब हमारे आज के मेहमान हैं और इनसे जो गुफ्तगू हो रही है उसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले फारूकी साहब एक वाक़ा सुना रहे थे, उस वाक़े की जानिब चलते हैं। जी फारूकी साहब, उस वाक़े की बुनियाद यही है कि असातिज़ा हों, कोच हों, चीफ सेलेक्टर हों, कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, ज़िंदगी के किसी भी शोबे में जिनके हाथ में इंतज़ाम व इंसराम हैं और जिनको हीरे चुनने हैं, अगर वो तीन बातें मैं समझता हूँ, पहली बात यह है कि महारत, ठीक, अहल हों वो इस बात की, दूसरा दयानत कि उसके अंदर किसी किस्म की अकरबा परवरी, कोई दबाव, कोई लालच ना हो, ठीक, और तीसरा ये कि पाकिस्तान के परचम को सरबुलंद करने का जुनून, ठीक, ये तीन बातें ज़िंदगी के जिस शोबे में जिस उस्ताद के, जिस मास्टर के, जिस कोच के पास होंगी उसकी एक लगन होगी, उसके अंदर एक जुनून होगा कि भाई किसी तरह की करना। तो वो वाक़ में सुना था, परवीन आतिफ ने लिखा है कि मैं और आतिफ जो है वो बाई रोड जा रहे थे तो हमने देखा कि एक जगह हम
बुलंदी पे थे नशेब में, हॉकी का मैच हो रहा था। अच्छा, तो अब ज़ाहिर है दोनों मियाँ बीवी को शदीद शौक था, उस जमाने आतिफ साहब अहदेदार भी थे, कि रुक गए हम रेलिंग का सहारा लेके खड़े हुए। तो हमने देखा कि नीचे मैच चल रहा है हॉकी का। आतिफ ने मुझे कहा कि परवीन ये देखो, ये एक काला सा दुबला पतला सा ये लड़का है, बज़ाहिर तो बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं है, लेकिन जब इसके हॉकी पर गेंद आती है तो इसमें बिजली से भर जाती है। क्या शहबाज की बात हो रही? नहीं, अच्छा, कहने के बिजली सी भर जाती है। और ये तो कहने के मैंने देखा उसको, आतिफ ने कहा कि इस लड़के को मैं कैंप में बुलाऊंगा, और वो थे हनीफ खान। ओके, बेहतरीन। आप देखें ना, कराची के मज़ाफात से उठ के उसकी निगाह उस तक, वो कहाँ पहुँचा, वो ओलंपियन हनीफ खान, कमाल आदमी। तो वो निगाह जब तक नहीं होगी, तो यही है कि अगर असातिज़ा देखें, जिस तरह कहते हैं कि एक अच्छा मैनेजर वो है कि जो अपना शानदार नायब तैयार करे, अगर वो इनसिक्योर है, अगर वो नाअहल है, अगर वो अकरबा परवर है, अगर उसके अंदर जो है वो करप्शन के एलिमेंट्स हैं, तो वो ना अपने से आगे किसी को आने देगा, ना इस काबिल होगा कि किसी की तरबियत कर सके। अब देखें ना, रईस अमरोही साहब के पास यूनिवर्सिटी का ज़माना था, वो हम लोगों ने कुछ ने दो चार अशार लिखे, कुछ ने कुछ लिखा, उनके पास गए, हमने भी गज़ल लिखी। रईस साहब कहने लगे कि सबसे पहले तो इसको फाड़ के फेंक दो। अच्छा, बगैर पढ़े। अब हैरत सी हुई, मतलब एक नज़र तो देख लेते। अच्छा, कहने लगे जब तक इस तकलीफ से गुजरने के आदि नहीं हो जाओगे कि अपनी ही चीज़ फाड़ के फेंक दो, ये प्रैक्टिस है, ये रियाजत है, ये मशक्क़त है और ये तरबियत है, तो खूब से खूब तर जब आएगा। ठीक, उस वक्त जस्तजू रहेगी। ये नहीं कि आपने ये किया कि ओवरनाइट आपने कोई एक काम कर लिया और आप चैम्पियन समझने लगे अपने आप को। तो ये वाला जो, मुझे यही लगता है कि देखें, किसी भी माशरे की जो बागडोर है वो इंटेलेक्चुअल्स के हाथ में है, ज़िंदगी के किसी भी शोबे में। वहाँ जब कमी आने लगी, जब ऊपर की कुर्सी खाली होने लगी, उसकी जगह कॉम्प्रोमाइज़ होने लगे, उसकी जगह हर, आपको सारी दुनिया को पता है कि भाई आपके पास जावेद मियादाद, आपके पास मोहसिन खान बैठे हुए हैं, आपके पास ऐसे कोच बैठे हुए हैं कि जिनकी महारत सारी दुनिया तस्लीम करती है, मगर आपको पता नहीं क्या हो जाता है। आप वही गैर मुल्की कोच ले आते हैं, भाई उसको पाकिस्तान के परचम से, पाकिस्तान के प्राइड से, पाकिस्तान की ग्लोरी से क्या मतलब हो सकता है? कुछ भी नहीं, वो तो अपनी तनख्वाह लेगा, तनख्वाह लेगा, घर जाएगा। अब इस तरह ये होने लगा ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर। और मतलब ये कि सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है और इंसान को जो है वो ज़माने के साथ साथ चलना चाहिए, लेकिन आप देखिए कि वहाँ क्या सूरत हाल है। पॉइंट मैं इस पर बिल्कुल बात करूँगी, सोशल मीडिया फारूकी साहब आजकल इन है, बिल्कुल इन है, आपने जिक्र किया। अच्छा, आजकल बच्चे जो जबान सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करते हैं जी, एक तो उसका मसला अपनी जगह पर है, लेकिन जो जिस तरह से लिखा जाता है, चाहे अंग्रेजी हो या उर्दू हो, कि जुमले को आप तरतीब ही नहीं दे पाते, आप अल्फाज की एब्रिवेशंस मुखफ्फात जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, पूरी जबान नहीं आपको लिखनी आती, आप सेंटी हो जाते हैं। और बाज़ेफा मेल्टी हो जाता है पढ़ने वाला। बस ये मतलब अधूरी बातें की जाए। और अच्छा, बड़ी मज़े की बात है कि अच्छा, मैं थोड़े कता कलामी कहते हैं फारूकी साहब कि अगर आप जिस चीज़ को इस्तेमाल जिसका कम कर दें, उसकी सलाहियत भी बतदरीज कम होती जाती है। ये तो कुदरत का उसूल है, बिल्कुल सही है। आप जो है बोलना छोड़ दें, आप कुछ अरसे में अपने आप को गूंगा महसूस करेंगे। तो फिर ये कौम कौम ने किधर लगा दिया? अजीब वगैरह लगा दिया, मतलब ये कि चार चैनल से मैंने सुना कि अभी अभी कब्र आई है। अभी एक बहुत अहम कब्र आपको अभी एक अहम कब्र आपको देते हैं। अच्छा, हुआ ये ना कि जो आपको याद है, आपने और मैंने रेडियो पाकिस्तान किया, सब कुछ किया अपने तालिब इल्मी के ज़माने में, किस कदर वो थे, अपना कमर जमील थे वहाँ पे और शहनाज थी, किस तरह से तलफ़ुस पर तवज्जो होती थी, कैसे तलफ़ुस पे जो है ना वो तवज्जो होती थी। तो अब वो ना सिखाने वाली नहीं रहे, तो मैं यही कह रहा हूँ कि ज़िंदगी के अब देखें ना, पहले ये था ड्रामे की तरफ। थोड़ी सी माज़रा, अगर सिखाने वाले हैं भी ना फारूकी साहब, तो शायद वो भी बद्दिल नज़र आ रहे हैं, बद्दिल नज़र, क्योंकि जो अगला सीखने वाला है उसके अंदर भी वो जज्बा ही नहीं पाया जा रहा, मेरा ख्याल है, गलत भी हो सकता। नहीं, एक तो रातों रात शोहरत मिलने के बाद जो हिमाकत आती है ना, क्योंकि आजकल क्या, बल्कि ये कि काफ़ी अरसे से ड्रामे का शोबा ही है ना, एक ड्रामे से शोहरत मिलने के बाद उनका जो एटीट्यूड होता है नौजवानों का, आज भी जावेद शेख इतने बड़े अदाकार हैं, उनको आप इन टाइम आएंगे,
बैठे रहेंगे, कुछ पढ़ते रहेंगे, यानी वो आके ये नहीं कि मेरे सीन का बुरा, मेरा सीन का बुरा। अच्छा हो ये रहा है कि पूरा स्क्रिप्ट पढ़ने का कोई रिवाज ही नहीं है, बिल्कुल कतन नहीं है, वो एन वक्त पर आएंगे एडी से कहेंगे कि तुम जो डायलॉग बताते हो लाइनें बताओ लाइनें बताओ, तो भाई आपको पूरी कहानी नहीं पता। अच्छा दूसरा वो जो लाइनें बताने वाला है बेचारा असिस्टेंट डायरेक्टर, उसको कद्दू नहीं पता। हाँ, मैं भी एक जरा आमियाना ज़बान देख सोशल मीडिया उसको कुछ नहीं पता तो हाँ, वो क्या बताएगा। अच्छा और फिर ये भी ना कि अच्छा तो मैं इसको यूं बोल लूं। हाँ, जी अच्छा तो मफहूम तो अदा हो जाएगा ना। सही कह रहे हो भाई, अल्फाज के सर पर नहीं उगते माना, अल्फाज के सीने में उतर कर देखो जोश साहब ने कहा था। तो आप जो है लफ्ज की अपनी अहमियत और मुकालमे तो कितनी बड़ी अहमियत है लफ्ज की, तो उसमें आपको चूंकि आपसे अदा नहीं हो रहा या आपको लाइन याद नहीं हो रही तो आप शॉर्टकट्स ले रहे हैं। अच्छा फिर मेरे साथ हो चुका है फारूक साहब। अच्छा। मैंने एक ड्रामे की एक प्रोमो था, उसकी एक लाइन थी, उसमें लफ्ज परतो इस्तेमाल किया था। जो अदा करने वाले हमारे अदाकार थे, बड़े अच्छे अदाकार हैं वो, फोन आया डायरेक्टर का कि भाई वो पूछ रही है परतू क्या होता है। परतू इनका परतू कुछ नहीं होता, ये परतो है। तो आप जो बात कर रहे हैं ना, इसे एक तो दूसरा ये ना कि भाई रोमन में लिख के दे दें, डायलॉग रोमन में लिख के दे दें, तो वो अब रोमन में लिख के उनको देंगे आप। अच्छा एक फैशन भी है, अगर उर्दू आती भी है ना तो ये जाहिर करना कि हम जो इंग्लिश मीडियम है, तो उसके लिए कहने जी रोमन में लिख कर दे दें। तो जब तक अभी भी मैं आपके सामने जैसे एक नाम सानिया सईद का ले, इस तरह की बहुत है, जब तक पूरा स्क्रिप्ट पढ़ नहीं रहेंगे, स्क्रिप्ट पर अपनी राय नहीं देंगे, अपने किरदार के बारे में राइटर से और डायरेक्टर से गुफ्तगू बहस नहीं करेंगे, उस वक्त तक काम नहीं करेंगे। क्योंकि वो जो एक तरबियत है, वो जो एक लगन है कि आपका काम में परफेक्शन भी हो और उसमें कोई भी मीडियोक्रेसी और कोई अहमकाना बात नज़र ना आए, बिलीवेबल हो और लगे के भरपूर एक किरदार है। अब यूँ कि पैसे की रेल पेल हो गई, बेतहाशा काम मिल रहा है और मोहताज हो गए हैं, ज़ाहिर फाइनेंसर टीवी प्रोड्यूसर टीवी चैनल जो हैं उनको भी कमाना है, तो सबका बुनियादी मकसद जो है वो कमाना है और उस कमाने में हमने बहुत कुछ गंवाया है। अच्छा फारूकी साहब फिल्मों की बात करते हैं, अगर अव्वल तो जो पाकिस्तानी फिल्में वो कुछ नीम फिल्मी सी फिल्में होती हैं, मुझे तो लगता है अच्छी फिल्में होंगी यकीनन बन रही, ड्रामाइयत है, ड्रामाई अंग है, अंदाज है। आप ये समझ लें कि आप टीवी का ड्रामा बड़े स्क्रीन पर देख रहे हैं, फिलहाल तो यही फील है क्योंकि देखें 70s के आखिर में बल्कि 80s तक भी तो जो फिल्म थी पाकिस्तान की भी फिल्म इंडस्ट्री। अच्छा फिर फिल्म के लिए ना वो चाहिए फिल्म का हीरो और अदाकार, लार्जर देन लाइफ। तो लार्जर देन जिस आदमी को रोज़ाना आप टीवी पे 24 घंटे जिस औरत को जिस आदमी को देखेंगे, जिस लड़के और जिस लड़की को उस मुफ्त में देखेंगे, उसके लिए आप 500 रुपए का टिकट लेके 700 रुपए का टिकट लेके सिनेमा हॉल जाने की, 350 का पॉपकॉर्न और ड्रिंक लेके कि उसको, क्योंकि वो तो आपको रोज़ नज़र आ रहा है भाई, जो भी मोनोटनस हो गया, जिसमें यकसानियत आ गई, जो आम हो गया, तो फिर तो उसके लिए वो अट्रैक्शन नहीं रहा, नहीं रहा। तो फिल्म का मिजाज वाले ना डायरेक्टर रहे, ना कहानी लिखने वाले रहे, ना वो आप अभी भी कोई पाकिस्तान की 70s 80s की फिल्म के बाद जब वो एंड क्रेडिट्स चलते हैं तो आप नाम देखिए कैसे कैसे लोग थे, क्या उन्होंने काम किया था, आपके चाहे मौसीकार हों, आपके कहानी लिखने वाले हों, आपके डायरेक्टर्स हों, अदाकार हों आपके, मतलब एक पूरा कल्चर था फिल्मी जो ख़त्म हो गया। अब ये जो टीवी पे मायना ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद इसीलिए पड़ोसी मुल्क हमारा फिल्म इंडस्ट्री में इसीलिए आ गया ना कि देखें फिल्म चलती है लार्जर देन लाइफ, आपका जो हीरो होता है या हीरोइन होती है ना उस पर फिल्म चलती है, वो आपके पास रहा नहीं है कुछ, तो उसकी वजह से मतलब लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं, कितना लगातार कितने फिल्में बिटी हैं। अब आप देखें ना बड़ी अच्छी जो है उनसे दोस्ती है, ताल्लुक़ भी है, बहुत मशहूर हैं हुमायूं सईद, हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं इस वक्त, उससे बड़ा आपके पास हुमायूं सईद से और फवाद से बड़े आपके पास कोई नाम नहीं है कि आप सोचे मोहम्मद अली, नदीम, वहीद मुराद, मतलब शाहिद मतलब बेहतरीन। अच्छा ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे, बड़ा दिलचस्प मौजू है, मैं जो सवाल करना चाह रही हूँ मैं फारूकी साहब से, चले वो ब्रेक के बाद ही करते हैं। नाज़रीन खुशांदर कहेंगे प्रोग्राम, आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। फारूकी साहब की मौजूदगी की खूबसूरती यही है कि बात शुरू कहीं और से होती है और वो जाती कहीं और है, लेकिन बहरहाल ये सारी बातें इसलिए अहम है नाज़रीन कि जहाँ भी आपको तख्लीकी काम होता नज़र आएगा
उसका कोई ना कोई मयार ज़रूर मुकर्रर किया जाता है, चाहे वो माशरे की तरफ से हो या तख्लीककारों की अपनी जानिब से हो। ये दोनों पॉइंट्स मुझे कुछ पूरी डिबेट में कुछ मिसिंग से नज़र आते हैं। फारूकी साहब ने जो फिल्म की बात की थी उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और आप जो बात कर रहे थे फारूकी साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे थे कि हम अगर टीवी वालों से फिल्म का काम लेंगे तो हमें वो खुलकर काम करते हुए नज़र ही नहीं आएंगे। नहीं, उनका एक जो उनका एक लिमिटेशन है, हाँ, अदाकारी की, छोटे स्क्रीन की, वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। और लोगों के लिए कशिश इसलिए नहीं है कि जिनको रोज़ देखा जाए, 24 घंटे देखा जाए, उनको पैसे खर्च करके बड़े स्क्रीन पे देखने जाने का किसी को शौक नहीं है। सही बात। क्योंकि जो लोग, एक दफ़ा मैंने इदरीस बख्तियार से पूछा, आप तो सबको जानते हैं मरहूम से, मैंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि 92 में दो ऐसी शख्सियात उभरी कि जिनसे ज़्यादा मकबूलियत किसी को हासिल नहीं थी। इशारत तो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, एक जो है वो ममनू शजर ममनू है। तो मैंने इदरीस भाई से पूछा कि इनकी इतनी ज़्यादा मकबूलियत की वजह क्या है। अच्छा, मैंने कहा उनका और भी, हाँ, उनके हम असर हैं, हाँ, मगर ये जो दीवानगी की हद तक मकबूलियत है, तो उन्होंने कहा एक वजह है, दोनों अवेलेबल नहीं है। एक्सक्लूसिविटी दोनों अवेलेबल नहीं है। आदमी का तजस्सुस यही है ना कि मतलब के नायाफ्त को याफ्त करना, या जो नहीं है मयसर उसको हासिल करने की कोशिश करना, उसकी तलाश, या कोई ऐसी ख़ास जुदागाना बात के, देखे ना वहीद मुराद के बालों का स्टाइल याद रह गया, दिलीप का स्टाइल याद रह गया लोगों, कोई चीज़ जो मुमताज़ करे, मुमैस करे, दूसरों से डिफरेंट हो, कि शकेब अपने तारुफ के लिए इतना ही काफ़ी है, हम उससे बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। वाह क्या बात। तो ये नहीं कि आम, वो जो आपने बात की थी मीडियोक्रेसी के ना, कि आमियानापन जो है ना, वो जो एक हमें लगता है कि यार हमें शाहकार की तलाश, कि यार कोई मास्टरपीस हो। और यकीन करें, चाहे बिल्कुल नया टैलेंट क्यों ना हो, बिल्कुल नया लिखने वाला क्यों ना हो, बिल्कुल नया डायरेक्टर क्यों ना हो, सारी टीम नई हो, लेकिन अगर उसके अंदर कोई चीज़ क्लिक करने वाली होगी तो कौम पकड़ेगी उसको, जाएंगे उसके पीछे, नाजरीन भी जाएंगे उसके पीछे। वो जब कयामत से कयामत तक आई थी, बिल्कुल नई टीम, हाँ, क्या हिट हो गई, क्या बेहतरीन, आज तक लोग याद, आजकल लोग याद रखते हैं। तो अव्वल तो पहली बात ये कि वो कॉन्सेप्चुअली कोई चीज़ भारत में कयामत से कयामत तक, उसी की तो बात कर रहा हूँ, वी आर ऑन द सेम पेज, राइट राइट। नहीं नहीं, मैं पाकिस्तान में जीवा की, हाँ, आप जीवा की बात करते हैं, जीवा की आप देख रहे हैं, जीवा की बात कर रहे हैं। तो यही हुआ कि जब कोई चीज़ आप बिल्कुल गैर मामूली लेकर आते हैं, लोगों को चौंकाने वाली लेकर आते हैं, कुछ तो होना जिससे तवज्जो, आप देखें अपने ड्रामा की तरफ आ जाए, तलाक, खुला, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, घर से निकाल देना, भागी हुई लड़की, आजकल तो ट्रेंड है कि भाग के शादी करो, भागो, दे तो ये कम होता है, खर्चा कम होता है। अच्छा, मैं आपसे ये आपके ज़रिए से बात पहुंचाना चाहता हूँ राइटर से, भाई मौजूआत तो कुछ बदल लो भाई, दुनिया भरी हुई है। जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक के अंदर, कि कोई छोटा सा एक मौजू भी बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है, लोगों को अपनी तरफ खींच सकता है। बात ये क्या, ताहिर खान साहब एक बात कहते थे जब इंटरफ्लो हमने ज्वाइन की, वो हमारे ट्रेनिंग सेशन भी होते थे, कहते थे देखो ऑर्डिनरी और मास्टरपीस में एक फ़र्क होता है, एक फ़र्क होता है। तो सर क्या फ़र्क होता है, कहने डिटेलिंग का, जो जुज़ियात हैं उन पर जितनी गहरी नज़र रखी जाएगी वो तख्लीक उतनी शाहकार हो जाएगी, उसके लिए लगती है, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। और हम तो बात यही कर रहे हैं शॉर्टकट्स की, कॉम्प्रोमाइज़ेस की। हाँ, को उसका भी एक सेट पे जाना, भी दूसरे सेट पे जाना, भी अच्छा वो कहेगा कि वो एडी को बुलाएगा, और बुला के उसे कहेगा हाँ यार मेरी लाइनें बता दो, वो अपनी लाइनें बोली, उससे बोला कि भाई इस तरह से बोल दो, दो बार उसने कह दिया, तीसरे बार उसने कहा नहीं भाई हो गया ठीक है, अब यही सही है, ये जा रहा है। तो ये क्या था जो मैंने कहा था कि सफाई सुथराई, एक मुकालमा था एक बड़ी अदाकार है टी वी की, उनसे कहलवाना था, तो उनसे जो है वो सुथराई नहीं निकल रहा था, कभी सतराई हो जाता था, कभी सितराई हो जाता था, कभी सुथराई हो जाता था, तो जो है सुथराई नहीं होता था। तो अब असल में सबको आना पड़ेगा इस बात के ऊपर कि अपने काम के जो तकाजे हैं उसमें आपको परफेक्शन हासिल करनी होगी, ठीक है ना। अगर जो, लेकिन फिर मैं आपसे हाँ, बात सवाल पूछूंगी, क्यों करें हम ये, हाँ, जब लोगों का गुजारा हो रहा है ना, तो हम क्यों करें। बात यही है कि गुजारा हो रहा है, मतलब ये कि क्या कहना चाहिए,
पैसे भी मिल रहे हैं, शोहरत भी मिल रही है, मकबूलियत भी मिल रही है, देखने वाले जो हैं वो देख भी रहे हैं। तो अब उसके अंदर अच्छा, फिर आपने एक और बात महसूस की, मैं पैमरा से भी कहना चाहता हूँ कि क्या ये लोग देखते हैं ड्रामे? मुझे नहीं लगता। आपको लगता है नहीं कि कोई ये देखते होंगे, उनको पता होगा कि क्या मौजूद चल रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। उन जो ड्रामा निगार है ना, उन में से अक्सरियत जो है, मैंने बहुत काबिल एहतराम है, बुनियादी माशरती जो इश्यूज़ हैं ना, उसका भी कोई शऊर नहीं है, या जो इस्लामी अकायद हैं या जिन मामलों को छेड़ना नहीं चाहिए, जो बड़े नाजुक मामलात हैं उनमें दखलदर माखूलात करके और पूरी मालूमात ना करके जो देखने वाले हैं आप उनको भी तो तबाह कर रहे हैं ना, उनको भी मिसपरसेप्शन आप चीज़ों के दे रहे हैं। ऐसे तो ये तो ऐसा कोई तगड़ा कोई सेंसर बोर्ड नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी टीवी ड्रामों के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप चंद हिदायत नामे आ गए कि भाई जो है शराब पीते हुए नहीं दिखाएं, स्मोकिंग नीचे लिखते हैं डेंजरस है और ज़्यादा ना दिखाएं ज़्यादा, भाई उस मौजूद पे भी तो आओ ना कि उसमें भी तो एक से एक चीज़ हो सकती है कि अब मुझे बता, आप मुझे बताएं कि तारे ज़मीन पर मतलब एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट नहीं था ऐसे? हम तो हमें भी चाहिए ना कि कोई ऐसा आउट ऑफ कफ चीज़ लेकर आए, कोई ऐसी बात और लोग देखेंगे। अच्छा, उसमें एक और मसला आ जाता है फारूकी साहब, कि अगर कोई आप मौजूदाती प्रोजेक्ट सामने लाते हैं तो फिर इल्ज़ाम ये लगते हैं कि ये तो एन जी ओ सपोर्टेड इशू था, इसके पीछे तो कोई एजेंडा था, कोई एजेंडा था, कोई स्लोगन था इसके पीछे, ये होती है बात, है ना? हाँ, अच्छा उसमें भी वो भी ज़रूर लेकर आएँ, लेकिन देखें जो दिलचस्पी का पहलू है ना जी, क्योंकि ये जो ड्रामा है ये फिल्म है, जब तक के नाज़रीन इसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे, यानी वही वाले आप शुगर कोटेड आप दें, आप उसके अंदर सेगमेंट्स और उसके अंदर तमाम चीज़ इस तरह से रखें कि तजस्सुस का, दिलचस्पी का, खूबसूरती का पहलू किसी तरह नज़रअंदाज ना हो, ठीक है? मतलब सेरेमन ना हो, खुतबा ना हो, ठीक है? अच्छा, ड्रामे की हमने बात कर ली। एंटरटेनमेंट के नाम पे एक बड़ा आसान नुस्खा है कि एक ग्रुप डांस परफॉर्मेंस हो, ख्वातीन हों या मर्द हजरात हों, खूब उछल कूद हो रही हो स्टेज पे और बस वो हमारे लिए एंटरटेनमेंट। बिल्कुल, क्योंकि वो तफरीह तबा जो है इंटरटेनमेंट वो यही होके रहेगी। अच्छा, इतना ऐसा लगता है कि नचकइये हो गए सारे के सारे ना, मतलब कि बहुत शौक़ है डांस करने का, आए या ना आए, हर इवेंट जो है उसके अंदर यही सूरत हाल है। आपने जो बताया कि सारा का सारा शो आप देख लें, चार डांस परफॉर्मेंसेस हो जाएंगी, जो ईद पे शो आते हैं, जो खुसूसी शो होते हैं, अवार्ड शो में भी आप देख लें कि मतलब उसके अंदर जिस कदर आप जो है तकलीद कर सकेंगे अपने कपड़ों में, अपने रखरखाव में, अपने गुफ्तगू में, वो सब कुछ होगा। आप जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा आप बोल्ड हो जाएंगे तो आप सरेआम प्रपोज भी कर देंगे और आप बेहतरीन काम करेंगे, बेहतरीन काम करेंगे। सही बात है। तो वैल्यूज़ देखें, आपने जो बात शुरू में की थी बिल्कुल सही है कि आखिर हमारी वैल्यूज़ क्या हैं ये कौन बताएगा जी, कि इन हदूद व क़ुयूद में रहे। देखें, बेहतरीन से बेहतरीन एंटरटेनमेंट तैयार करें, शानदार ड्रामे तैयार करें, मगर अपनी वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए, पहले नहीं होते थे, अभी भी हो सकते हैं, कोई भी चीज़ जो अच्छी होगी तो वैल्यूज़ बताएगा कौन, समझाएगा कौन, ये बात कौन बताएगा कि भाई हमारी अपनी माशरती रवैये के अंदर क्या चीज़ शामिल होनी चाहिए, किस तरह से जो है वो, भाई देखें ना आप क्या हो गया, आप देखते हैं आम मिजाज में बताऊँ, साइकोलॉजी है, अगर फ़र्ज़ करें कि लाइव ये आ रहा है कि किसी ने जो है वो कोई जुर्म किया है, वो भाग रहा है जी, तो अंदर एक ख्वाहिश मचलती कि पकड़ा ना जाए, वो उसको फॉलो, पुलिस उसको फॉलो कर रही है, कानून नाफिज करने वाले इदारे फॉलो कर रहे हैं, तो आपके अंदर का जो हीरो तड़प रहा है, आपने इतनी फिल्में वाली देखी हुई हैं कि भाई ये ना पकड़ा, ये ना पकड़ा, सही तो बात। वो जब आपका हीरो जो है बजाय हीरो के विलन आपका हीरो हो जाएगा जिंदगी के हर मामले के अंदर, बिल्कुल सही, तो उसके अंदर फिर ये कि तारों पौध इतने बिखर चुके हैं कि इसके लिए, अच्छा मुझे बताइए कि क्या कोई नेशनल पॉलिसी है फिल्म के लिए, टीवी के लिए? फिरदौस आशिक खवान साहिबा सिर्फ लट लेके ऑपोजिशन के पीछे पड़ी रहती हैं, वज़ारत इत्तला'आत का यही काम रह गया है, वज़ारत सकाफत की मिनिस्ट्री पता नहीं किसके पास है भी कि नहीं, नाम भी नहीं पता, नहीं मेरा नहीं ख्याल। फयाजुल हसन चौहान साहब को पंजाब में बनाया था, उसके बाद उनकी भी छुट्टी हो गई। चलिए फारूक साहब, अच्छी रही आपके साथ गुफ्तगू, हमेशा की तरह बिल्कुल खत्म, क्या कहने, तो फिर आपको जहमत देंगे इंशाल्लाह, और आपसे काफ़ी और काफी, आप जितनी खूबसूरत अंदाज में आप प्रोग्राम को लेके चलती हैं, मेहरबानी, मज़ा आता है कि मतलब ये कि जिंदगी के हर पहलू पे बात हो सकती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, तो बस आपका साथ बहुत ही कम रहेगा आपके साथ रहना चाहिए, और ये गुफ्तगू नाज़रीन आपके सामने इसीलिए की जाती है कि आप भी कुछ सोचिए,
اپنی گوناگو مصروفیات میں سے وقت نکالیے اور ان باتوں پہ ضرور غور کیجیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.